गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निवेदिता सिंह ऑफ मारवाड़ी कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर इलेक्टिव इंग्लिश। एज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द इलेक्टिव इंग्लिश फॉर क्लास 11th, लेसन नंबर 1, द लेमेंट। क्लास 11th इलेक्टिव इंग्लिश, 100 मार्क्स, टेक्स्ट बुक विविन वुड्स, लेसन नंबर 1, द लेमेंट बाय एंट ऑफ टॉन चेकऑफ। येट इट इज सच एन इमेंस इल्यूमिनेटेबल ग्रीफ, शुड हिज हार्ट ब्रेक एंड द ग्रीफ पोर आउट, इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, सो इट सीम्स एंड येट नो वन सीज इट। इट हैज मैनेज टू कंसील हिम्स इटसेल्फ इन सच अ इनसिग्निफिकेंट सेल दैट नो वन कैन सी इट इवन बाय डे एंड विद अ लाइट। Yona sees a hall porter with some sacking and decides to talk to him. Friend, what sort of time it is? He asks. Past 9. What are you standing for here? Here for? Move on. Yona moves on a few steps, doubles himself up and abandons himself to his grief. He sees it's useless to turn to people for help. In less than 5 minutes, he straightens himself, holds up his head as if he felt some sharp pain, and gives a tug at the reins. He can bear it no longer. The stables he thinks, and the little horse, if it understood, starts off at a trot. वहाँ खड़े खड़े वो देख रहा था कि कोई उसको सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। तो वहीं पास में एक आदमी से उन्होंने पूछा कि कितना समय हुआ। उन्होंने बताया 9 बज रहा है। फिर उस आदमी ने कहा कि तुम इतने देर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। फिर वो जाने के लिए तैयारी करने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे वो घोड़ा सारा सब कुछ समझ रहा है और वो अपने आप ही चलने के लिए तैयार हो जाता है। अबाउट एन आवर एंड अ हाफ लेटर योना सीटेड बाय अ लार्ज डर्टी स्टोव, अराउंड द स्टोव ऑन द फ्लोर ऑन द बेंचेस पीपल आर स्नोरिंग। The air is thick and the suffocating hot. Yona looks at the sleeper, stretches himself and regrets having returned so early. I have not even earned my fodder, he thinks. That's what's my trouble. A man who knows his job, who has had enough to eat and his horse too, can always sleep peacefully. A young cab driver, one of the corners, half gets it up, grunts sleepily and stretches towards a bucket of water. Do you want a drink? Yona asks him. Do not. I want a drink. और वो अचानक से अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। सोचते सोचते वो देखते हैं कि आसपास के लोग सारे सो रहे हैं और उनको लगता है कि बेकार ही वो इतना जल्दी वापस आ गए। वो जगह पे सब कोई अपना काम वाम ख़त्म करके सो रहे थे। उनको लगा कि मैं थोड़ी देर और शायद काम कर सकता था जिससे कि उस दिन का और भी थोड़ा सा खाने के लिए जुगाड़ हो सकता था, लेकिन वो बहुत जल्दी घर वापस आ गए। उनका घर था फुटपाथ पे जहाँ पे लोग सो रहे थे, बाकी लोग भी वो भी वहाँ सोने के लिए आ गए। उन्होंने तभी देखा कि एक यंग कैब ड्राइवर थोड़ा सा आधी नींद में उठ रहा है। तो उन्होंने पूछा, किस लिए उठ रहे हो, पानी चाहिए क्या? तो वो कहते हैं कि आई वॉन्ट अ ड्रिंक, और वो पानी मांगते हैं। दैट्स ऑफ योर गुड हेल्थ, बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज डेड, डी यू हियर दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। फिर उस लड़के से भी वो बात करना स्टार्ट करते हैं कि तुम जानते हो मेरे बेटे का डेथ हो गया है पिछले हफ्ते हॉस्पिटल में, और ये एक लंबी कहानी है। योना लुक्स टू सी वॉट इफेक्ट His words have, but sees none. The young man has hidden his face and he is fast asleep again. The old man sighs and stretches his head just as much as the young one wants to drink. The old man wants to talk. It will soon be a week since his son died, and he has not yet able to speak about it properly to anyone. One must tell it slowly and carefully, how his son fell ill, how he suffered, what he said before he died, how he died. और वो तभी इतना कह के देख रहे थे कि उनके शब्दों का उस लड़के पे क्या असर हुआ।
उन्होंने देखा कि उस लड़के ने फिर से चद्दर ओढ़ के सो लिया। वो कुछ भी उनकी वर्ड्स या उनके बातों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा था। अब उनके बेटे का डेथ का हफ्ता भर होने जा रहा था, लेकिन अभी तक वो किसी से ठीक से बात नहीं कर पाए थे। वो अपनी मन की बात किसी को बता नहीं पाए थे कि उनका बेटे कैसे डेथ हुआ, कैसे वो बीमार पड़ा, कितना दिन उन्होंने उसने तकलीफ झेला, और वो मरने से पहले क्या कहा, कैसे डेथ हुआ। वन मस्ट डिस्क्राइब एवरी डिटेल ऑफ द फ्यूनरल एंड द जर्नी टू द हॉस्पिटल टू फेच द डेड सन्स क्लोथ्स। हिज डॉटर एनेसिया हैज़ रिमेन्ड इन द विलेज। वन मस्ट टॉक अबाउट हर टू। इट इज नथिंग ही हैज़ टू टेल। श्योरली द लिसनर वुड गास्प एंड साइ एंड सिंपथाइज विथ हिम। इट इज़ बेटर टू टॉक टू वुमेन। टू वर्ड्स आर एनफ टू मेक देम सॉफ। और उनको लगा कि अब कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो पूरी तरह सब कुछ बताना चाहते थे, हॉस्पिटल ले जाने से लेके ट्रीटमेंट से लेके उनका डेथ, उनका फ्यूनरल, लास्ट राइट्स जो हुआ, उनकी बेटी अनीसिया के बारे में बात करना चाहते थे जिसको उन्होंने विलेज में ही छोड़ के आए थे। लेकिन कोई भी उनके साथ सिंपथी शो नहीं कर रहा था। उनको लगा कि शायद वो किसी औरत से बात करते हैं तो शायद दुख के दो शब्द ही औरतों को के आंखों में आंसू आने के लिए काफ़ी होता है। आई विल गो लुक आफ्टर माई हॉर्स, थिंक्स योना, देयर इज ऑलवेज टाइम टू स्लीप, नो फियर फॉर दैट। ही पुट्स ऑन हिज कोट्स एंड गोज टू द स्टेबल टू हिज हॉर्स। ही थिंक्स ऑफ द कॉर्न, द हे, द वेदर। व्हेन ही इज अलोन ही डेयर नॉट थिंक ऑफ हिज सन। ही कैन स्पीक अबाउट हिम टू एनी वन, बट टू थिंक ऑफ हिम एंड पिक्चर हिम टू हिमसेल्फ इज अनबेरेबली पेनफुल। तभी वो सोचते हैं कि घोड़े के पास जाते हैं और घोड़े के पास जाके वो उसको कुछ खाना देना चाहते हैं कि क्या क्या है, कॉर्न या हे जो कि राइस पैडी का एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं दे पाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही देते हैं और फिर अपने बेटे के यादों में खो जाते हैं। और जितना वो अपने बेटे को याद करते हैं उतना ही ज़्यादा उनको पेन और तकलीफ होता है। आर यू टकिंग इन, योना आस्क हिज हॉर्स, लुकिंग एट हिज ब्राइट आइज। गो ऑन टक इन, दो यू हैव नॉट अर्न आवर कॉर्न वी कैन ईट हे। यस आई एम टू ओल्ड टू ड्राइव, माई सन कुड हैव नॉट आई। ही वॉज अ फर्स्ट रेट कैब ड्राइवर, इफ ओनली ही हैड अलाइव। योना साइलेंट फॉर अ मोमेंट देन कंटिन्यूज। फिर वो घोड़े को खिलाते हैं और कहते हैं कि खाओ और खाते जाओ, आज तो हम लोगों ने ज़्यादा कमाई नहीं की है, फिर भी खाओ। अगर मेरी जगह, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जगह मेरा बेटा होता तो वो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा कमा सकता था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा कैब ड्राइवर भी था। फिर थोड़ी देर के लिए वो चुप होते हैं, फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। दैट्स हाउ इट इज़ माई ओल्ड हॉर्स, देयर्स नो मोर कुजमा योनिच। ही हैज़ लेफ्ट अस टू लीव एंड ही वेंट ऑफ पॉप। नाउ लेट्स से यू हैड अ फ्यूल, यू वेयर द फूल्स मदर, एंड सडनली लेट्स से दैट फ्यूल वेंट एंड लेफ्ट यू टू लीव आफ्टर हिम। इट वुड बी सैड, वॉन्ट इट। और योना फिर बोलना स्टार्ट करते हैं कि देखो कुजमा योनिच अगर होता तो शायद वो और अच्छे से तुमको संभालता। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे तुम्हारा बच्चा अगर होता और वो तुमको छोड़ के चला जाता ओल्ड एज में, तो फिर तुमको कैसे लगता, बहुत दुख होता। और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। द लिटिल हॉर्स मंचेस, लिसन्स एंड ब्रीथ्स ओवर इट्स मास्टर्स हेड। वो घोड़ा चुपचाप खाते जाता है और जो योना कहता है चुपचाप सुनते जाता है। योना फीलिंग्स आर टू मच फॉर हिम एंड ही लेट्स द लिटिल हॉर्स द होल स्टोरी, टेल्स द लिटिल हॉर्स द होल स्टोरी। और इस तरह से योना ने अपनी सारी दुख भरी कहानी जो है वो घोड़े को सुना डाली, क्योंकि उनको एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो उनकी दुख भरी कहानी को सुन सके, उनके साथ सिंपथाइज कर सके और उनका दुख बांट सके। लेकिन उस घोड़े के साथ उन्होंने अपना दुख
बांटा और सारी स्टोरी उस घोड़े को सुना दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।